नमस्कार जी, आई बी एम लेनो R52। तो ये नो डिस्प्ले प्रॉब्लम से आया है। तो जैसे मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं बोर्ड ऑन तो हो गया है। एम्पियर पे आ रहा है कितना, 330-320 के करीब आ रहा है ये, मतलब करेक्ट नहीं है एम्पियर, इसका सही नहीं है। तो स्क्रीन को तो हटा दिया जाए। अब इसमें क्या चीज़ हमें चेक करना है, तो डिस्प्ले हटाने के बाद एक बार और चेक करता हूँ इसको ऑन करके। हो सकता है एम्पियर थोड़ा सा स्क्रीन को जैसे ज़्यादा आ रहा हो, तो सेम ही है करीब 320-330 के करीब आ रहा है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसका CPU हीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्पियर इसका नॉर्मल है तो पहला चांस तो इसका CPU हीटअप नहीं हो रहा होगा। अगर CPU हीटअप होता, CPU 4 वोल्ट अगर बन रहा होता तो 600 से ऊपर ही आता इसका एम्पियर। पावर लगा दिए और यहाँ पे DSO से भी अपन चेक कर सकते हैं इसका पल्स वगैरह बन रहा है क्या CPU 4 वोल्ट वाला। तो पिन ग्राउंडिंग जरूरी है अपने को, यहाँ से दीजिए। नेक्स्ट चीज थोड़ा सा ग्राउंडिंग हो गया है, ये लगा दिए, बोर्ड ऑन हो गया, वो 300 के करीब आ रहा है, 280 से अभी भी सेम करीब करीब। तो सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करते हैं हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट, तो बोर्ड तो चालू है तो बन ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा पल्स मिल रहा है, ये हमारा 3 वोल्ट के करीब है, ये हमारा 3 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये वाला है हमारा, ये 5 वोल्ट वाला, यहाँ भी पल्स ओके है, 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, 5 वोल्ट सेट करके रखा तो 5 वोल्ट के करीब आ रहा है ये। ये वाली L8 L19 पे भी आ रहा है। तो CPU वाला तो ये नहीं है, हमारा CPU टप नहीं हो रहा है इसमें। ये हमारा 4 वोल्ट वाला कॉइल L51 और L52, तो इसका ये इनपुट कुछ नहीं है, आउटपुट भी कुछ नहीं है। सप्लाई सेक्शन पे है कि नहीं है, तो जैसे यहाँ पे 19 वोल्ट के करीब ही आ रहे हैं, अभी दिखा रहा हूँ, तो 19 वोल्ट के करीब यहाँ पे इसका बन रहा है। ये मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं इसमें, CPU 4 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो इसकी IC कौन सी है, तो इसका VRM IC है अपना ये वाला। अब इसका रिक्वायरमेंट किस तरह का है तो वो तो अपने को स्कीमेटिक्स में ही पता चलेगा, तो एक बार स्कीमेटिक देखा जाए। ये रहा, सबसे पहले अपने को इसमें चाहिए पिन नंबर 5 में VCC कितना वोल्ट, 5 वोल्ट के करीब। एक सेकेंड, ये कौन सा है, ये नहीं, ये वाली 4 वोल्ट नहीं है अपना, अपना 4 वाला IC है इसमें, 6217 वाली IC, 6217 पेज नंबर 37, ये है हमारी CPU 4 वोल्ट वाली IC। तो पिन नंबर 1 इसका सबसे पहला सप्लाई VDD 5 वोल्ट के करीब होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 वोल्ट के रेंज में है, भी है 5 वोल्ट, थोड़ा कम करता हूँ समझ में आएगा, ये 5 वोल्ट रेंज में, तो बराबर ये प्रॉपर इसमें 5 वोल्ट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसका, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अगर हम चेक करें तो जैसे कि यहाँ पे पिन नंबर 38 में VBAT 19 वोल्ट के करीब होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सबसे लास्ट वाला पिन है, बराबर यहाँ पे है वोल्टेज 19 वोल्ट के करीब।
नेक्स्ट ये अपने को चेक करना है इसमें VDDP, तो कहाँ गया ये पिन नंबर 31, यहाँ पे कितना वोल्ट होना चाहिए हमारा, 5 वोल्ट यहाँ भी होना चाहिए। तो 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, इसमें कितने मध्य में है, 31 भी है ना। तो देखो यहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास ही बंद है, 5 वोल्ट पर ही बंद है ये, तो 5 वोल्ट प्रॉपर बंद है ये, मतलब इसके सारे रिक्वायरमेंट्स तो ऑलमोस्ट क्लियर। एक रिक्वायरमेंट इसको और चेक करते हैं क्या, इनेबल पिन नंबर 6 में। तो पिन नंबर 6 होगा हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 वोल्ट के करीब होना चाहिए, तो ये भी ओके है। मतलब इस आईसी की सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर भी सीपीयू पिकअप नहीं हो रहा है। और एक दो जगह चेक करते हैं, जैसे हमारा वोल्टेज वगैरह, तो ये हमारा रैम वोल्ट है, तो यहाँ पे ये 1.8 वोल्ट करीब बन रहा होगा, सही है। यहाँ भी वोल्टेज अवेलेबल है VCCP वगैरह पे, ये भी वोल्टेज ओके है, रैम वोल्ट ओके है। कुल मिला प्रॉब्लम केवल केवल इसका हमारा VRM वाले सेक्शन में, तो VRM सेक्शन का इनपुट वोल्ट भी 19 वोल्ट ओके है। कुछ और करने से पहले एक बार इसका प्रोसेसर चेंज करके देखते हैं, सीपीयू पहले चेंज कर ले, उसके बाद आगे कुछ काम कर ले। ये न्यू सीपीयू लगा लिए, ऑन करने के लिए अपने को उसका कीबोर्ड चाहिए होगा, सप्लाई लगाते हैं, अभी भी सेम है और ये प्रोसेसर भी हीटअप नहीं हो रहा है। तो प्रोसेसर सही है, अदर सारे सेक्शन सप्लाई ओके हैं, तो कुल मिला के हमारा प्रॉब्लम इसमें है इसकी VRM वाली IC ख़राब है 100% ये वाले, तो उसको सीधा पहले तो चेंज ही किया जाए सीधा। तो मेरे पास एक पुरानी वाली पड़ी हुई है, पता नहीं सही है कि नहीं है, लगा के देखते हैं। इसका पुराना वाला CPU लगा देते हैं इसमें, ये नया CPU जो लगाया था ये भी ओके है वैसे, बट इसके पुराने प्रोसेसर में ही चेक करते हैं। इस प्रोसेसर में ध्यान देना, जितने भी ये सारे छोटे जो कोर वाले हैं प्रोसेसर, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रोसेसर को बिना हीट सिंक लगाए ऑन कभी नहीं करना, या करना हो तो 2 सेकंड से ज़्यादा इसको चालू नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी उठे तो पूरा यह जल जाएगा ये, तो इसका क्या ऊपर में हीट सिंक वगैरह कुछ है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, कूलिंग के लिए, तो इसमें बहुत जल्दी ये प्रोसेसर ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो अपन चेक करेंगे, अगर एम्पियर थोड़ा सा भी बढ़ता हुआ दिखा तो तुरंत इसको बंद कर दूंगा, तो उसके बाद हीट सिंक लगा के चेक करेंगे। तो ये पावर लगा लिए, अब देखते हैं एम्पियर अगर बढ़ेगा तुरंत पावर बंद करना होगा मेरे को। तो ये पावर बटन प्रेस किया, सेम अभी भी थोड़ा सा लो ही आ रहा है, तो एक बार इसके आईसी को अच्छे से फिर से ड्राई करता हूँ, मे बी पॉसिबल है, कई बार होता है कुछ कुछ पिन हमारा चुक जाता है।
स्क्रीन ठीक है, उधरी है। अगेन ऑन करते हैं, सीपीयू लॉक है बराबर, रेडियो सप्लाई ठीक। हाँ देखो एम्पियर बढ़ गया, 600-700 करीब आया, प्रोसेसर भी हल्का सा हीट हुआ है। इसका सीपीयू फैन वैन लगाते हैं, इसका फिर चेक करते हैं। डिस्प्ले लगाने से पहले एक बार इसका जो नॉर्मल एम्पियर वो दिखाता हूँ कि नॉर्मल एम्पियर क्या होना चाहिए इसमें, और पहले कम क्यों था, ताकि अपने को इसको डिस्प्ले से। ये रहा इसका कीबोर्ड, ये रही पावर, प्लग किए ऑन किए, देखो बराबर 600-700 तक जा रहा है, जस्ट डबल हो गया समझो। पहले हमारा 300 जा रहा था मैक्स, अभी इसमें 700 करीब आ रहा है एम्पियर, मतलब कि हमारा प्रोसेसर हीटअप अब हो रहा है। साथ ही कोशिश करता हूँ मैं DSO से इसका पल्स दिखाने का, VRM सेक्शन का, जो कि पहले नहीं बन रहा था वो अभी बन रहा होगा। तो थोड़ा सा शायद प्रॉपर नहीं है, देखो पल्स दिखा अभी, देखो आउटपुट वोल्ट भी प्रॉपर यहाँ पे बन रहा है। इसका रेंज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ पल्स देखने के लिए, वरना पल्स अपने को दिखाई नहीं देगा। ठीक प्रॉपर यहाँ पे, यहाँ भी पल्स बनने लगा आउटपुट। अब वोल्टेज अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मैं 2 वोल्ट के रेंज में रख रहा हूँ उसको, और ये है हमारे ये आउटपुट वाला वोल्टेज, देखो यहाँ पे ये बन रहा है वोल्ट, ये यहाँ पे वोल्ट बनने लगा, मतलब कि अब ये पॉसिबल है अपना आ गया होगा डिस्प्ले। तो अब सीधा स्क्रीन लगा कर देखते हैं CPU भी हीटअप हो रहा है प्रॉपर। IC चेंज करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही हो। बहुत सारे केस में IC चेंज कर लेते हैं तो कम आने के चक्कर में बट रेडी होता नहीं, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स ही पूरे नहीं होते रहते। इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, ठीक ऑन हो गया, एम्पियर प्रॉपर है, डिस्प्ले तो देखो डिस्प्ले भी अपना आ गया है। एक एम्पियर के करीब ले रहे थे 1.010, एक दो बार और बंद चालू करके देखते हैं। ठीक बराबर हर बार डिस्प्ले आ रहा है, मतलब 100% हमारी क्या है इसकी VRM वाली जो IC थी, CPU कोर वाली IC वो ख़राब थी, वो तो रिपेयर हो गया, पैक करके चलाना है और कुछ नहीं।